हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ मैथ का प्रश्नावली 1.6 का थर्ड क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.6 में ये थर्ड में जितने भी क्वेश्चन है, यही थर्ड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.6 के पार्ट वन में इंट्रोडक्शन, कुछ फार्मूला घातांक के लिए, और आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप लोग देखेंगे। वही फार्मूला यूज करना है जो घातांक का रूल होता है, क्लास सेवन में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हमने आप लोगों को बताया। तो देखते हैं, यहाँ थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 इनटू, बीच में ये पॉइंट नहीं समझेंगे आप लोग, पॉइंट है तो मतलब इनटू है, मल्टीप्लाई या गुणा है। तो 2 का पावर 2/3 इनटू 2 का पावर 1/5। तो हमने आप लोगों को रूल में बताया था कि जब आधार बराबर हो और गुणा हुआ हो तो घातांकों को जोड़ते हैं। तो वही रूल लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे 2 का पावर 2/3, एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, इनटू 2 का पावर 1/5। यहां पर लिख देंगे कौन सा रूल हम लोग लगा रहे हैं। तो रूल हम लोग लगा रहे हैं, देखिए, ए का पावर एम इनटू ए का पावर एन इक्वल, देखिए आधार बराबर हो और गुणा हुआ रहे, घातांक अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, एक ही आधार लिख के और घातांकों को उस पर जोड़ देते हैं। ये वाला रूल का यूज कर लेना है यहाँ पर। तो आधार देखिए बराबर है, घातांक अलग है, तो हम लोग एक ही आधार को लिखेंगे और घातांकों को उस पर जोड़ देंगे, 2/3 + 1/5। अब हम लोग लिखते हैं 2 का पावर, यहाँ पर देखिए जब भी संख्याएं ऐसे बटे के रूप में दिए गए होंगे तो उनका लॉसा लेना है, नीचे वाले संख्याओं का लॉसा 3 और 5 का 15 हो जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे 3 से 15 में भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, और प्लस 5 से 15 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। तो देखिए 2 का पावर हो जाएगा 10 और 3 जोड़ लेंगे तो 13/15, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया 1/3 का पावर 3 और होल पूरे का पावर 7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1/3 का पावर 3 और उसका पावर 7 दिया है। हम लोग देखिए यूज करेंगे जब एक ही संख्या पर एक से अधिक घातांक हो तो घातांकों का गुणा होता है। यहाँ लिख लेंगे a का पावर m है और उसका पावर अगर n है तो a का पावर हो जाता है m इंटू एन, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो 7 है, 1 पर भी 7 पावर है और 3 पर 3 पावर है, इस पर भी 7 है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग अलग अलग करेंगे तो 1 का पावर 7 और अपान, क्योंकि 1 पर भी 7 है और 3 का पावर 3 है, इस पर भी 7 है, हम लोगों ने अलग अलग कर लिया इसको, इस पर भी 7, इस पर भी 7। देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 7 का मतलब 1 ही रहेगा, 1 × 1 × 1 × 1 7 बार करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ देखिए 3 का पावर हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा घातांक हो तो गुणा होता है घातांकों का, 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। या तो अब ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हमने बताया था संख्याओं को ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 3 का पावर 21 है, ऊपर जब ले जाएंगे तो 3 का पावर -21 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 11 का पावर 1/2 और अपान में 11 का पावर 1/4 है। हमने बताया था कि आप लोगों को ये रूल, जब आधार बराबर होगा और भाग हुआ रहे, घातांक कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने बताया था एक ही आधार लिख के और घातांकों को भाग में घटा देते हैं।
ये हमने बताया था। तो इसी का यूज होगा, देखिए आधार बराबर और भाग हुआ तो घातांकों को घटाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक ही आधार को लिखना है और उस पर घातांक को घटा देना है, तो 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4। अब आप लोग जानते हैं जब संख्याएं बटे में हो तो लसल एक सॉल्व करते हैं, तो लसल 4 होगा दोनों का, यहाँ 2 से 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार में होगा 1 का 1 में गुणा 1। 2 में से जब देखिए 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 11 का पावर 1 और बटे 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आधार दोनों के अलग हैं, घातांक बराबर है। हमने ये रूल आप लोगों को बताया था, जब आधार दोनों के अलग हों और घातांक बराबर हों और गुणा हुआ हो, तो क्या करते हैं, जब घातांक बराबर हो आधार अलग तो दोनों आधारों का गुणा हो जाता है और एक ही घातांक ऊपर लिख देते हैं। तो इस रूल का यूज यहां पर करना, हम लोग एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, 7 का पावर 1/2 × 8 का पावर 1/2। आधार देखिए अलग है, घातांक बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 7 × 8 का पावर 1/2। अब देखिए 7 का 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का पावर 1/2 होगा, तो यही हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग, ये पूरा चैप्टर भी 1 समाप्त हो चुका है और चैप्टर भी हमने पहले पढ़ाया था बहुपद को, तो अब अगले पार्ट में आप लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही।